हमको क्या करना है, अपना कस्टमाइज बनाना है इम्प्लॉय के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो यहाँ पर ये जो बना हुआ वेदर फॉरकास्टिंग का, इसको मैं यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं अपना बनाऊंगा, इसमें इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। यहाँ तक हमारा काम ओके हो गया। इसके बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट पर जो मैं एक नया और प्रोजेक्ट ऐड करूँगा डेटा एसेस लेयर के लिए। तो डेटा एसेस लेयर से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपने कनेक्शन स्ट्रिंग की सेटिंग कर लेता हूँ डेटाबेस का। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए यहाँ एप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर जाना है और अलाउ होस्ट जे स्टार है, यहाँ पर आपको कोमा लगाना है और देन इंटर दाबना है। इसके बाद यहाँ पर डबल कोट के अंदर आपको लिखना है कनेक्शन स्ट्रिंग, इस तरह से आपका आ जाएगा। देन हम क्या करते हैं, कनेक्शन का नाम देते हैं। तो कनेक्शन का नाम मैं दे देता हूँ डिफॉल्ट कनेक्शन, डिफॉल्ट कनेक्शन। और इस डिफॉल्ट कनेक्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस के सर्वर का पाथ पेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्वर, सर्वर इक्वल टू, मैं लोकल होस्ट के लिए डॉट लगाते हैं और यहाँ पर लिखूँगा डेटा बेस, और डेटाबेस में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेटाबेस के नाम को सप्लाई करूँगा। डेटाबेस के नाम को सप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे जो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ डीबी एम्प्लॉय, ठीक है, एपीआई के लिए हमें बना रहा था, एपीआई में यहाँ डाल देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोलन सेमी कोलन लगाऊंगा, देन ट्रस्टेड ट्रस्टेड की आर यूज ट्रस्टेड अंडर स्कोर कनेक्शन इक्वल टू ट्रू, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल टू ट्रू, और आफ्टर डेट में क्या करता हूँ, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट इक्वल टू भी ट्रू कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये हमारा केवल डेटाबेस का कनेक्शन हमने कुछ यहाँ सप्लाई कर लिया। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम अपने मॉडल्स बनाएंगे। तो मॉडल्स के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से यहाँ पर प्रोजेक्ट ही ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि इस मॉडल्स को हम सर्विस को कंज्यूम करने के लिए भी यूज करेंगे। तो मैं अलग से ही बना लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं ऐड न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ आप सोल्यूशन स्कोर पर क्लिक करोगे, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से क्या करोगे, एक क्लास लाइब्रेरी लोगे और क्लास लाइब्रेरी को मैं नाम दे देता हूँ डेटा एसेस लेयर, डेटा एसेस लेयर। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट, और इसको भी 6.0 पर ही लूँगा और यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। अब यहाँ पर जो डिफॉल्ट क्लास आता है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, ऐड न्यू क्लास, और यहाँ क्लास का नाम मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय, क्योंकि हमने एम्प्लॉय से रिलेटेड ही बना रहे हैं, इस क्लास के नाम को दे देता हूँ मैं एम्प्लॉय। अब यहाँ पर जो ये इंटरनल है, इसको हम कर देंगे पब्लिक, और यहाँ जो पब्लिक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पब्लिक, और पब्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करूँगा। जैसे ये कुछ प्रॉपर्टी करने का मतलब हुआ, जैसे जी इसका आईडी होगा, इसका नेम होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, पब्लिक इंट आईडी गेट सेट, उसी तरह से फिर यहाँ पर पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट, इसी तरह से हमारा क्या होगा, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और क्या होगा, हमारा फ़ोन नंबर भी हो सकता है उसका एम्प्लॉय का, यहाँ पर ले लेता हूँ फ़ोन नंबर। इसके अलावा कौन से सिटी से है, सिटी भी डाल सकता हूँ। इसके अलावा आप चाहो तो अपने हिसाब से आपको जितने भी फील्ड के रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। इसके बाद हम क्या किया, हमने एम्प्लॉय नाम का यहाँ पर एक मॉडल्स बना लिए हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ही बना लेता हूँ मैं ऐड न्यू फोल्डर डेटा कॉन्टेक्स्ट के नाम से। बेसिकली डेटा के नाम से बना लो या डेटा कॉन्टेक्स्ट के नाम से बना लो, कोई इशू नहीं है, डेटा कॉन्टेक्स्ट के नाम से मैंने बना लिया, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन इस डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या करना है, ऐड न्यू क्लास पर क्लिक करूँगा और इस फाइल का नाम मैं दे दूंगा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट,
ठीक है। इस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम से मैं क्या किया, एक क्लास बना लिया इसके अंदर, ठीक है, और क्लास बना के मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड करते ही ये पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है। अब यहाँ पर मैं जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज होते हैं जो पैकेज होते हैं उसको इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पर आता हूँ मैं टूल्स पे और यहाँ से नूगेट पैकेज मैनेजर, मैनेज नूगेट पैकेज मैनेजर, और इसमें से हमको क्या करना होगा, कुछ पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ ब्राउज पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा एंटिटी फ्रेमवर्क कोड से रिलेटेड हमारे जितने भी होंगे, जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, इनको तो हमको इंस्टॉल करना जरूरी है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, लेटेस्ट वाला इसके अंदर इंस्टॉल कर दूँगा। इंस्टॉल करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमको इसमें ज़रूरत पड़ता है microsoft.entity_framework4.tools की और SQL सर्वर की। तो पहले टूल्स को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, और आफ्टर दैट आई एम इंस्टॉलिंग SQL सर्वर बेसिकली। ये क्या हो गया, टूल्स मेरा इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, SQL सर्वर को भी यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ से SQL सर्वर को भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। सेट किया, ये क्या हुआ जी, SQL सर्वर भी मेरा इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पब्लिक क्लास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करूँगा। यहाँ लिखूँगा डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर लेके जाऊँगा, यहाँ पर कर्सर रखते रहूँगा, यहाँ पोटेंशियल फिक्स का ऑप्शन आता है, देन आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा यूजिंग microsoft.entity_framework4 के अंदर ये मिलेगा डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट का, मैं यहाँ पर अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक एप्लीकेशन एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, और इसमें मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो हमने ये क्लास बनाया हो इसी को मैं यहाँ पर सप्लाई कर दूँगा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसको मैं क्या करता हूँ ऑप्शंस, और इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से बेस क्लास से इनहेरिट करूँगा बेस ऑप्शंस, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्लोज, ये तो हमारा ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, डेटाबेस के टेबल को यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं। तो डेटाबेस के टेबल को इनिशियलाइज करने के लिए कैसे करते हैं, यहाँ पर पब्लिक डीबी सेट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कौन सा टेबल था मेरा, एम्प्लॉई नाम से मैंने इसको किया, और यहाँ पर एम्प्लॉइज, और इसको मैं क्या करूँगा, गेट सेट यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये एम्प्लॉई हमको मिल नहीं रहा है, तो एम्प्लॉई मिलेगा कैसे, यहाँ पर इसको अपने डाटा स्क्वायर को रेफरेंस को ऐड करना होगा। यहाँ पर क्या करता हूँ, एस पोटेंशियल फिक्स पर क्लिक करता हूँ, ऐड रेफरेंस टू डेटा एस स्क्वायर, इसका रेफरेंस को मैंने डेटा एस स्क्वायर पर ऐड कर दिया, एम्प्लॉई हमको मिल गया। अब इसके बाद क्या करना होगा, हमको program.cs फाइल पर आना होगा, और उसके अंदर क्या होगा, डेटाबेस को पाथ को कनेक्ट कॉन्फिगर करना पड़ेगा। तो program.cs फाइल पर आता हूँ, और यहाँ पर यहाँ जो खाली जगह है यहाँ से मैं क्या करता हूँ, builder.services.add dbcontext, और add dbcontext के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर application dbcontext एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये भी नहीं मिलेगा, इसके रेफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस में, अब पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को पहले रिजॉल्व कर लूँ यहाँ के एरर को, तो पोटेंशियल फिक्स आ रहा है यहाँ पर यूजिंग इम्प्लाइड और डेटा कॉन्टेक्स्ट को यूज कर लिया मैं। अब यहाँ ऑप्शंस के साथ मैं क्या करता हूँ, अब इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ ऑप्शंस, देन मेरा ये
ब्रैकेट ओपन और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। अब ये भी नहीं मिलेगा, इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, रेफरेंस ऐड करना होगा। तो यूज एसक्यूएल सर्वर पे यहाँ पर मैं कर्सर रखूंगा, यहाँ पर हमारा क्या करेगा पोटेंशियल फिक्स आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट कोर को ऐड कर लूंगा। ये एसक्यूएल सर्वर मेरा ये रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग में मेरा यहाँ क्या नाम मैंने रखा था, यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर मैंने एप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर मैंने क्या रखा था, डिफॉल्ट कनेक्शन रखा था। इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको भेज दूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ हमारा यहाँ पर सेट हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, डाटाबेस का पाथ हमारा सेट हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, पहले माइग्रेशन कर लेता हूँ। तो माइग्रेशन करने के लिए हमको क्या करूँगा, डेटाबेस में यहाँ पर आपको टूल्स के ऊपर जाना है, नुगेट पैकेज के अंदर जाना है और पैकेज मैनेजर कंसोल के ऊपर जाना है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ऐड माइग्रेशन और यहाँ माइग्रेशन का नाम दे देता हूँ ऐड इम्प्लाई टू डीबी। इम्प्लाई को कहाँ ऐड कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर, ठीक है, ऐड इम्प्लाई टू डीबी। और इसको मैं क्या करता हूँ, इंटर दबाता हूँ, ये माइग्रेशन क्या हो जाएगा, मेरा इनिशियलाइज हो जाएगा। बिल्ड सक्सेस हो गया, इनिशियलाइज हो गया। ये देखिए माइग्रेशन का मेरा क्या हुआ, ये टेबल यहाँ क्रिएट होकर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या यहाँ पर लिखते हैं, अपडेट डाटाबेस, इंटर दबाऊंगा, क्या होगा, डेटाबेस मेरा क्रिएट हो जाएगा टेबल, ठीक है, ये क्रिएट हो गया, डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। अगर चेक करना है तो आप एसक्यूएल सर्वर ऑन करके हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से एसक्यूएल सर्वर ऑन हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके अंदर माइग्रेशन हो गया, डेटाबेस का कनेक्शन हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका रिपोजिटरी बना लेता हूँ नॉर्मल सा। तो रिपोजिटरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इम्प्लाई के अंदर यहाँ पर एड न्यू फोल्डर करूंगा यहाँ पर, और इस फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ रिपोजिटरीज, ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, रिपोजिटरी के अंदर एक इंटरफेस ऐड करूंगा। यहां से मैं क्या करता हूँ, इसको लोकल को मैं एसेस करता हूँ डेटाबेस को, और देन हम क्या करते हैं, लोकल डेटाबेस को एसेस करते हैं और यहाँ डेटाबेस के अंदर आऊँगा। यहाँ पर आप देखोगे डीबी इम्प्लाई एपीआई जो है, इसके अंदर हमारा क्या हुआ, ये टेबल बन के आ गया। अगर इसमें कुछ डमी डाटा डालना है तो मैं इसे यहाँ एडिट रो पर क्लिक करूँगा और यहाँ से एक दो डमी डाटा डाल देता हूँ, जो हमको जैसे जब मैं यहाँ पर राजेश लिख देता हूँ, फोन नंबर, सिटी, इसी तरह से एक दो और डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये डिफॉल्ट डेटा में